हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अनु स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूट्यूबर श्रेयस मॉम अनु। सो गाइस, ये ब्लॉग संडे वाले दिन का है, तो मैं इसको लंच सुबह मॉर्निंग में मैंने बनाया था आलू की टिक्की। उसके बाद लंच में मैं बना रही थी सेम की सब्जी और रोटी, क्योंकि बहुत सारा काम था संडे को दिन। आप लोगों को तो पता है कितना ही बिजी रहता है, तो मैं वही फटाफट काम कर रही थी। मैं सोच रही थी जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मैं कर लूँ, उसके बाद मुझे भी बहुत सारा काम करना था। तो मैं सेम की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। उसके बाद में मैं इसमें प्याज और जो नॉर्मल मसाले घर में यूज़ किए जाते हैं मैं वही डालूँगी। तो मैंने प्याज गरम करके हल्का सा ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको ज़्यादा। और उधर मैंने तवा रख दिया क्योंकि मैं साथ में रोटी ही बनाती जाऊंगी तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी से काम कर लेते हैं। उसके बाद मुझे, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो ऊपर रखी हुई है, मुझे कपड़े भी धुलने थे, तो मैं वही सोच रही थी कि पहले नीचे का काम फिनिश कर दूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँ, तभी मैं ऊपर से ऊपर सारा काम फिनिश करूँगी। तो ये देखिए मेरा प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं पकाना है, गलने तक पका लेना। और उधर मैंने तवा रखा था तो उसको भी साथ में रोटी भी बनानी है, तो तवा साथ में रोटी भी बन जाएंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने तवा इधर रख लिया था, वो कढ़ाई जो आप देख रहे हैं उसमें मैंने सुबह टिक्की बनाई थी वही वाली कढ़ाई है। और ये मैंने आलू, ज़्यादा आलू नहीं थी, थोड़ी सी आलू थी और सेम थी, तो उसको मैंने काट के रख लिया था अच्छे से वॉश करके। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँचे। तो ये देखिए ये पक गया है, थोड़ा सा गल गया है। गलने के बाद मैं इसमें अब मसाले ऐड करूँगी, जो धनिया मिर्ची हरी मिर्ची और ऐड कर दी, तो थोड़ा सा मसाला ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने हल्दी ली है, हल्दी के बाद मैं इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये गर्म मसाला पाउडर डालूँगी। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि थोड़ा सा पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इसके बाद मैं सब्ज़ी ऐड कर दूँगी, तो आलू ज़्यादा नहीं मैंने काटी है क्योंकि थोड़ा सा खाना बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था, तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल का। और इसके बाद में मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। क्या होता है संडे वाले दिन हम लोग इतना, क्योंकि हम लोग, हम हों या फिर सा या हाउस वाइफ को किसी दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है, जितना भी काम कर ले उतना भी कम ही रहता है, और इतना काम करने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता। तो ये देखिए मैं साथ में रोटी भी बनाती जा रही थी, और सब्जी को मैंने ढक दिया था। ढकने के बाद मैं थोड़ा सा हिलाते जाऊँगी ताकि ये मिक्स हो जाए और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये इधर मैं रोटी बना लेती हूँ, तो साथ में जल्दी से फटाक से मेरा खाना बन गया था। तो मैं फिर उसके बाद में ऊपर जाऊंगी काम करने के लिए, क्योंकि ऊपर भी धुलाई करनी थी। जहाँ पे मैं तो नीचे रहती हूँ, नीचे मैंने सफाई करके ऊपर फिर खाना बनाना स्टार्ट किया था। तो ये देखिए रोटी मेरी कितनी फूली फूली बन रही है, आप लोग भी आइए खाइएगा। ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और रोटी भी मैंने बना ली थी। फिर इसके बाद में मैंने अपना ये किचन अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि साफ करके पूरा काम करके ही मैं ऊपर जाऊंगी, ताकि नीचे कुछ मुझे फिर बाकी आने के बाद कुछ करना ना पड़े। और बर्तन रह जाएंगे तो मैं बाद में वॉश करूंगी, लौट के आऊंगी, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारा काम है, ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा काम है। तो ये देखिए मैं पापड़ रखे थे, काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े से थे, तो मैं इनको धूप में रखी थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसमें महक भी आने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो आज धूप में रख देती हूँ। तो इनको मैंने धूप में रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद में मैं कपड़े मशीन में लगा दिए थे, बहुत सारे कपड़े थे तो इनको मुझे वॉश करना था, तो मैं मशीन में कपड़े भी डाल दिया था, ये भी वॉश होते जाएंगे और मैं दूसरा भी काम करते जाऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से, और इतने ये पूरा इकट्ठा है एक दिन, मतलब एक हफ्ते का, तो सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मेरे हस्बैंड के थे मेरे बाबू के थे और मेरे देवर के थे, तो मैं सबके कपड़े धुलती हूँ। इसके बाद में मुझे ऊपर सफाई करनी थी, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी पीछे से। आप लोगों को मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया था, चलो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ में मैं ऊपर का अपना दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि हफ्ते में लगाती हूँ, डेली यहाँ पर नहीं लगाती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, सॉरी। तो
तो ये देखिए मैं इतना सारा कूड़ा निकला हुआ था, जबकि डेली झाड़ू लगाते फिर भी पता नहीं कहाँ से कूड़ा इतना आ जाता है। तो ये इतना सारा कूड़ा निकला था अच्छे से, जब मैंने एक एक कोना साफ करके झाड़ू लगाई थी। कि बता रहे थे आप लोगों को इतना सारा काम संडे वाले दिन फैला रहता है हद से ज़्यादा। तो ये देखिए आप लोग, और मैंने कमरों में, ये मेरे पीछे वाले कमरे से मैंने झाड़ू लगा लिया था। ये मेरा हॉल है ऊपर का, और सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, फिर सिर्फ मैं नहाने के बाद हेयर को मैंने ना कंघी किया था ना ही कुछ, मैं सब काम में लग गई थी। मैंने सोचा चलो जब टाइम मिलेगा तभी मैं करूँगी, आज तो पूरा काम मुझे फिनिश करना है। तो मैं यहाँ पे इस भी यहाँ पे भी झाड़ू लगाना है और धुलाई भी करनी थी, तो मैं ऐसे ही झाड़ू लगा रही थी। तो सोफे के नीचे से ज़्यादा मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि मुझे धुलाई करनी थी, तो मैंने सोचा चलो पानी डाल के मैं इसको धुल दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए पूरी वीडियो को, और उसके बाद मिलती हूँ मैं वीडियो के लास्ट में। सो गाइस यहाँ पे फिर से मैं धुलाई करने लगी झाड़ू वाड़ू लगा के, कपड़े भी मैंने सूखा लिए थे और उसके धूप में भी डालने थे। मैं थोड़े से कपड़े धूप में डाल देने के बाद में सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे, उसके बाद में मैं यहाँ पे धुलाई कर रही थी। क्योंकि वहाँ पे फिर आना जाना हो रहा था तो यहाँ पे गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो कपड़े पहले वाश कर लेती हूँ उसके बाद में यहाँ पे मैं धुलाई करूँगी। तो मैंने सारा काम बाहर का कर लिया था, कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाल भी दिए थे, कपड़े सब धुल गए थे, तब इसके बाद में मैंने यहाँ पर धुलाई करना शुरू किया था। तो थोड़ा सा निरमा मैंने डाला था पानी में, इसके बाद में वाशिंग पाउडर, उसके बाद में मैं थोड़ा सा धुलाई की थी। उसके बाद फिर देखिए मैंने सारा पानी बाहर निकाल के फिर यहाँ पे मैं वाइपर से खींच दूँगी इस तरीके से। Thank you.
ये मेरा खाना मतलब कि सफाई हो चुकी थी, उसके बाद में मैं अब जा रही हूँ नीचे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बेल आइकन के साथ में, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँचे। तो ये मेरा सारा, क्योंकि मुझे बाल्टी भी वाइपर भी झाड़ू सब मैं नीचे से लेके आई थी, तो मैं नीचे लेके जा रही हूँ। तो ये देखिए सारा काम मेरा फिनिश हो गया। तो ऊपर संडे वाला दिन इतना बिजी था मेरा आज का, क्योंकि भाई संडे का दिन सबका बिजी होता है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे आप लोगों को लेके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं आ गई हूँ नीचे, नीचे का मैं काम फिनिश करके गई थी, तो नीचे कोई काम नहीं बाकी था, तो ये सब मुझे अब उठा के रखना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।